एमएस ऑफिस की क्लासेस में हम एमएस वर्ड पे डिस्कस कर रहे हैं, और एमएस वर्ड की हमारी ये दूसरी क्लास है। पहले क्लास में हमने फाइल से रिलेटेड चीजें बताई कि फाइल कैसे यूज की जाती है। आज हम बात करेंगे आपके होम मेनू बार में क्लिपबोर्ड से रिलेटेड। क्या होता है कि हर बार ऐसी जरूरत नहीं है कि हम हर एक टॉपिक को यहाँ टाइप ही करते हैं, हमें कहीं बाहर से कॉपी पेस्ट भी करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कोई रिसर्च कर रहा, मान लीजिए एक कोई एक्सेल का फॉर्मूला ही रिसर्च कर रहा हूं, तो हमने एक्सेल वीवी फंक्शन लिस्ट को यहां से एक लेके आ रहा हूं, और मुझे इस लिस्ट को अपने वर्ड पे ले जाना है। अब वर्ड पे ले जाने के पीछे रीजन ये है कि मुझे इसकी प्रिंट आउट या पीडीएफ बनानी है। इंटरनेट के पेज पे तो नहीं बना सकता, क्योंकि इंटरनेट के पेज पे पूरा एडवर्टाइजमेंट और बाकी सब चीज आ जाएगा ना, ये सब आ जाएगा, राइट 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 तो हमें उसी पार्ट को लेके जाना है। तो हम क्या इसको सिलेक्ट करते हैं, हम सिलेक्शन शुरू करेंगे, नीचे की तरफ आते हैं और शिफ्ट के साथ मैं यहाँ नीचे क्लिक करता हूं तो पूरा सिलेक्ट हो गया। ठीक सिलेक्ट है। करने के बाद चेक कर लीजिए कि जो आप चाहते हैं वही सिलेक्ट हुआ है या कुछ और सिलेक्ट हो गया है। ठीक है ठीक फिर हम इसको कॉपी करते हैं और एमएस वर्ड पे आते हैं। अब है। एमएस वर्ड पे आपको जहां पेस्ट करना है वहां पर कर्सर आपने रखें हाँ कंट्रोल भी करेंगे। और कंट्रोल वी। अगर आप कंट्रोल वी करते हैं तो जैसा आपके इंटरनेट के पेज पे था वैसा पेस्ट हुआ जो कि आप देख रहे हैं, और वो सही तरीके से पेस्ट नहीं हुआ करेक्ट। हाँ क्योंकि इसमें पेज देखिए जो था इंटरनेट पे था एक टेबल फॉर्मेट में था, हाँ हाँ राइट और टेबल फॉर्मेट में यहाँ पेस्ट किया और बहुत बड़ा टेबल था। और प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको जूम आउट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, देखिए ये बहुत बड़ा आ गया और बहुत चीज कट भी रही है। हाँ यहां से चलो आपने मार्जिन कम कर दिया, और यहाँ पे मार्जिन जो होता है टेबल टू टेबल होता है, हाँ ठीक है। आपने मार्जिन मान लीजिए कम कर दिया फिर भी हो गया। यहाँ पे दिख रहा है आपको, सब पेस्ट करते हैं तो टेबल का यहाँ बॉक्स दिख रहा है साइड में, देखिए हाँ यहाँ हाँ पर, हाँ 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 और इस बॉक्स को लीजिए और अपने हिसाब से इसको कम कर दीजिए। ओके और ये प्रॉब्लम होती है हर हर में आपको करना पड़ेगा, हर एक टेबल जो आ रहा है सबके बॉक्सेस इस तरह से दिखेंगे और आपको वन बाय वन करना पड़ेगा, हाँ तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हाँ सही टेबल सर फॉर्मेट में नहीं चाहिए, मुझे अपने हिसाब से देना है, राइट तो उसके लिए आपको पेस्ट नहीं पेस्ट स्पेशल करना होगा। ओके ठीक है, तो पेस्ट स्पेशल आपको कहां से मिलेगा, एक तो राइट क्लिक करके, नहीं इस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट ऑप्शंस है यूज कर सकते हो। देखिए यहाँ तो लिमिटेड है ना, इसलिए आपको यहाँ पेस्ट स्पेशल इस्तेमाल करना होगा। पेस्ट स्पेशल में दो चीजें हैं, पेस्ट एज ए लिंक और पेस्ट। पेस्ट एज लिंक पे अभी इसको इग्नोर करते हैं, बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे HTML फॉर्मेट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट कर दिया, मतलब कि ये जस्ट नोट पैड से जो हम डेटा कॉपी करके पेस्ट करते हैं हाँ उस तरह के पेस्ट को ही करेगा, ओके हाँ सर ये ये सही कोई है। फॉर्मेटिंग नहीं रहेगी और रो हाँ बाय रो रहा है। अब इसमें अब एक चीज और देख रहे हैं कि कॉलन भी, माने कि ऐसा नहीं, यहाँ पे देखेंगे तो आपका यहाँ दिखेगा कि हाँ फंक्शन और एक एक माने कि एक तरीके से सलीके से है, बट आपका सलीके यहाँ पे से सलीका नहीं है, दिख रहा है हाँ, थोड़ा इधर उधर है। इधर उधर है, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा अपने हिसाब से। ठीक है ठीक ठीक है, है अगर पेस्ट स्पेशल में अगर मैं यहाँ पे HTML फॉर्मेट लेता हूं तब क्या होगा, तो HTML फॉर्मेट में वही जो नॉर्मल आप बॉक्स कॉपी टाइप पेस्ट आता है। हाँ करते हैं ना, नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते हैं वही फॉर्मेट। वैसे अब अच्छा यहाँ पे HTML क्यों आया, देखिए जिस लोकेशन से आप कॉपी कर रहे हो ना हाँ उस लोकेशन के बिहाफ पे आपको पेस्ट स्पेशल में यहाँ शो करेगा। जैसे मैंने डेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से लिया और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया पेस्ट स्पेशल में, तो यहाँ देखिए माइक्रोसॉफ्ट, हाँ राइट यहाँ पे राइट ऑप्शंस बढ़ भी गए, तो हाँ पेस्ट स्पेशल में क्या क्या हो सकता है वो डिपेंड करता है कि आपने कॉपी कहाँ से किया है। ठीक है, ठीक है सर कॉपी कहाँ से किया है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है सर तो पेस्ट स्पेशल में अगर HTML से करते हैं तो ये HTML फॉर्मेट है, दूसरा आता अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट, तो आपका अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट और अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट में कोई खास अंतर नहीं होता है। ओके अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट हो इसमें कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन डिफरेंस सर लेकिन थोड़ा सा ये है कि फिर नहीं 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 कोई डिफरेंस नहीं है, और नहीं डिफरेंस रेयर केसेस में उसकी कंडीशन पे होती है, तो आप समझ लीजिए कि नहीं है डिफरेंस। ठीक है तो हमने कॉपी कहां से किया था,
एचटीएमएल से। एचटीएमएल से तो एचटीएमएल से आप तीन ही चीज ले सकते हैं, राइट। अब इसमें बात आती है कि अगर मैं अदर एप्लीकेशन से करूं, जस्ट लाइक एक्सेल, मैंने एक्सेल से डेटा को उठाया, तो उठाने के बाद इसमें क्या क्या ऑप्शन है? ठीक है, नॉर्मली पेस्ट करेंगे तो जैसे एक्सेल पे डेटा होता है टेबल फॉर्मेट पे यहाँ पेस्ट हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम पेस्ट स्पेशल में जाते हैं तो मेरे पास कुछ ज्यादा ऑप्शन है। जैसे भाई ए आप करते हैं एक्सेल, तो जैसा है सेम फॉर्मेट होगा, ये आपका ये आपका फॉर्मेटेड टेक्स्ट, देखिए वर्ड पैड में जो टेक्स्ट होती है ना हाँ उस तरह से आपको होगा। तो फॉर्मेटेड टेक्स्ट में बोले क्या हुआ, एक तो टेबल फॉर्मेट आ गया आपका, और इसकी जो फॉर्मेटिंग कलर वलर होगा वो भी आ जाएगा, ओके ओके, लेकिन फॉर्मेट आएगा बट लिमिटेड आएगा, वर्ड पैड समझिए ना, हाँ समझ गई अनफॉर्मेट टेक्स्ट वही है। भाई है। नहीं उसके बाद बिट मैप, बिट मैप क्या करेगा, बिट मैप समझते क्या होता है, सर, बिट मैप मतलब कि पेंट, मतलब अच्छा कि पिक्चर, पेंट पिक्चर्स, अच्छा ये आपको पिक्चर्स में आएगा, ओके ठीक है। अब पिक्चर्स में आप देखेंगे बिट मैप की जगह पे एक और था पेस्ट स्पेशल में, बिट मैप की जगह पे आप देखेंगे पिक्चर आपको आ रहा है, एनहेंस्ड मेटा फाइल। तो ये पिक्चर जो है जेपीजी जो पिक्चर होती है ना हाँ उस, हाँ हाँ अच्छा उसमें तो इसमें बोले कि कोई अंतर तो नहीं दिखा, अंतर दिखता है उसके पिक्सल्स में, जब आप हाई रिजोल्यूशन पिक्चर पेस्ट करेंगे ना तो उसके हाँ रिजोल्यूशन में आपको फर्क दिखेगा जब उसको जूम करेंगे, ओके ओके अनफॉर्मेट यूनिकेस्ट टेस्ट आपका वही है, कोई इसमें खास नहीं। अच्छा अच्छा इसमें इनफॉर्मेशन एक चीज देखिए, यहाँ पे एक पेस्ट एज ए लिंक जो है ना यस वो सर आपका हाईलाइटेड हो गया। ओके ये क्या होता है कि आपका किसी भी एक्सेल में है, क्योंकि एमएस ऑफिस का वर्जन, इसलिए एक्सेल टू एक्सेल लिंक हो गया है वहां, बाकियों में नहीं होगा। ओके एक से बोल कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको पेस्ट में लिंक होता है, इसमें एक्सेल पे ऑब्जेक्ट कर लिया, तो ये देखिए एक्सेल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें डबल क्लिक करते ओरिजिनल में पहुंच जाते हो। अगर मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ, जैसे मान लीजिए इसकी कलर कर दी मैंने, कलर कर दी ना, तो आप जाके देखिए यहाँ भी कलर हो गया, ओके यहाँ पे कुछ इमेज दिया तो ये आपका इमेज भी हो गया, ठीक है ठीक है। ओके तो अब इसमें इसके भी कई सारे पार्ट है, एक बार दिखाता हूँ आपको मैं। तो पेस्ट एज ए पिक्चर्स में हमने एक्सेल फॉर्मेट में था, अब इसमें यहाँ पे अगर अनफॉर्मेटेड आर्टिस्ट करते हैं तो क्या होता है, सब कुछ पेस्ट होगा लेकिन इसमें अनफॉर्मेटेड होगा, ओके लेकिन बड़ी फॉर्मेटिंग आ रही है, लेकिन क्या है कि जो आपका ओरिजिन है वहां पे फॉर्मेटेड है, तो क्या कीजिएगा, ये तो डालेगा ही डालेगा। हाँ ठीक उसके बाद यहाँ पे पिक्चर्स इन अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट कर देगा आपका, ये आपका फॉर्मेटेड आर्टिस्ट था ना, अनफॉर्मेटेड अगर करते अनफॉर्मेटेड हैं हाँ तो आपका ये देखिए अनफॉर्मेटेड में क्या हुआ, बॉक्स नहीं है बॉक्स नहीं है और हाँ कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, लेकिन अनफॉर्मेटेड अगर मैं 85 को 100 कर देता हूं तब क्या होगा, तो वहां पे भी चेंजेस 100 हो है गया, मतलब हाँ लिंक फॉर्मेटिंग नहीं होगी बट लिंक होगा, ओके ओके समझ समझ गया। अच्छा तो पेस्ट स्पेशल में आपका ए होता है अनफॉर्मेटेड और यहाँ पे ए लिंक पिक्चर्स में, तो उसी तरह के बाकी लिंक भी है, आप एक बार अपने हिसाब से देख लीजिएगा ओके पेस्ट स्पेशल में, ठीक है। अब यहाँ पे, अच्छा आप आगे बढ़ते हैं इसमें पेस्ट स्पेशल में, तो पेस्ट और लिंक समझ में आ गया चीज आपको। जी सर जी हाँ अब इसमें एक आता है डिस्प्ले आइकन, मान लीजिए कि हमने डिस्प्ले आइकन कर दिया तो डेटा आपका यहाँ नहीं शो करेगा, अच्छा लेकिन जो जिस जहां से आया है ना उसका आइकन यहाँ शो कर रहा है, दिख रहा है, हाँ लेकिन जब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो मुझे उस एक्सेल पे पहुंचा दे, अच्छा समझे। अब इसका यूज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप एक ऑफर लेटर का एक आपने एक लेटर बनाया हुआ है, ठीक है हाँ लेकिन जो सैलरी कंट्रीब्यूशन है उसकी पूरी कैलकुलेशन आपके एक एक्सेल सीट पे है, ओके हाँ ठीक तो है आप अगर आप क्या करोगे कि अगर प्रिंट आउट निकालते हैं आप तो दिक्कत, तो प्रिंट आउट निकालते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो पूरा कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, बट डिजिटली किसी को भेजते हैं तो पूरा कंट्रीब्यूशन डालेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है आपका, करेक्ट हाँ
तो आप चाहते हैं कि मुझे डिजिटली भेजना है तो मैं पूरी कंट्रीब्यूशन ना डालता हूँ, मैं उस पर उसकी फाइल का लिंक दे देता हूँ। हाँ ये ठीक है, हाँ यही होता ही है सर ज्यादातर। हाँ, जब वो डबल क्लिक करेगा तो उसको उसकी कंट्रीब्यूशन दिख जाएगी, जैसे कि इंटरनेट वगैरह पे होता है ना कि शो डिटेल्स, क्लिक किया डिटेल्स पे चला गया तो राइट वापस आ राइट गया। ये चीजें आप यहाँ पेस्ट स्पेशल में कर हाँ, सकते। जैसे लाइक आपने कोई एड्रेस पे आइकन कर दिया तो वो डायरेक्टली फिर वो फाइल को उधर ही खोल देगा। जी हाँ जी हाँ जी, ओके क्लियर है? यस सर। चाहे सर वो कोई प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट का हो चाहे जी। एक्सेल का, किसी का भी डिस्प्ले आइकन होगा तो वो डायरेक्टली उस फाइल को वहां से खोलेगा सर। अब पेस्ट एज ए लिंक और पेस्ट स्पेशल में जो ऑप्शंस है वो बढ़ते घटते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, वो डिपेंडिंग कि आपने कहां से पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, समझ। समझ गए? अब इसमें एक चीज और भी आती है, क्या हम पिक्चर्स वगैरह भी पेस्ट कर सकते हैं? जी हाँ, पिक्चर्स को भी आप पेस्ट कर सकते हैं। तो कौन सा पिक्चर? जैसे मान लीजिए मुझे इस पिक्चर को करना है, तो कॉपी किया, कॉपी इमेज, राइट क्लिक पे कॉपी इमेज कीजिए और यहाँ पे आप नॉर्मली पेस्ट कर दीजिए। ठीक है। अब पेस्ट तो किया बट पेस्ट हुआ नहीं, तो यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखा, हालांकि हाँ हो जाता है पर कभी कभी क्या होता है कि जो पेस्ट होता है ना तो इस तरह से दिखेगा आपको, तो आपको यहाँ पे जाके चूज करना होगा कि क्या करना चाहते हैं आप, पिक्चर्स ओके आगे। हमेशा नहीं होता है, ठीक है? ओके 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 या फिर आप डायरेक्ट पेस्ट स्पेशल में जाके अपना बिटमैप या HTML फॉर्मेट में, HTML फॉर्मेट तो है ऑलरेडी, या PNG पिक्चर फॉर्मेट पीएनजी। में आप इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा पिक्चर्स, ओके ठीक है सर, समझ। ठीक है? लेकिन बहुत सारे केसेस में आपको पिक्चर डायरेक्ट पेंट पेस्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है। आप जैसे कि मैं एक मान लीजिए कि गूगल, नहीं गूगल तो पिक्चर नहीं है, मोदी जी आज फेमस में, आजकल तो मोदी जी के फोटो डलते हैं, ठीक है? ठीक है ठीक है तो यहाँ पे हम मोदी जी के फोटो पर राइट क्लिक किए, कॉपी ठीक किए और है यहाँ पे हम वर्ड में आके पेस्ट कर रहे हैं, ठीक ये है। डायरेक्ट पेस्ट हो गया। ये तो डायरेक्ट पेस्ट होगी। हाँ डायरेक्ट पेस्ट होने के बाद भी यहाँ पे आपका पूरा डायरेक्ट पेस्ट हो गया, ठीक है? ठीक है सर, तो जो डायरेक्ट पेस्ट हो गया ठीक है, जो डायरेक्ट पेस्ट नहीं होंगे वहां पे आपको पेस्ट स्पेशल स्पेशल करनी जाना पड़ेगा। पड़ेगा। ठीक है सर, तो ये आपका पिक्चर्स के ऊपर होता है। ठीक है। अब बात करते हैं अब यहाँ पे फॉर्मेटेड पेंटर के बारे ओके में। मैंने यहाँ पे रैंड का फॉर्मूला इस्तेमाल किया हुआ है जो कि मैंने कल बताया था, तो राइट यहाँ हम अपने हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके जैसे कि मान लीजिए मुझे पावरफुल, नहीं यहाँ पे मान लीजिए द थेम्स स्टाइल हेल्प कीप टू डॉक्यूमेंट कोऑर्डिनेटेड, इसको हाईलाइट करना, ठीक है। तो मैं यहां हाइलाइटर लूंगा और हाइलाइटर से हाइलाइट कर दूंगा, हाँ ये तो पता है मुझे। ठीक है? और हाइलाइटर से हाइलाइट कर दिया। अब प्रॉब्लम यहां पे है कि मैं इसकी और भी कुछ, इसकी टेक्स्ट कलर को रेड कर देता हूं, मैं इसको बोल्ड कर देता हूं, और भी फॉर्मेटिंग हम कर देते हैं। ओके तो मैंने यहां पे पांच छह हाँ सर, फॉर्मेट ये चीज अप्लाई पूछी थी मुझे, टेक्स्ट जो आप कलर्ड करते हैं हाँ, वो उसी पे क्लिक करके ही टेक्स्ट भी कलर हो जाएगा हाईलाइट करने के बाद अंदर जो है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ना। हाँ एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकेंड। सॉरी, तो जब तक सिलेक्शन नहीं करेंगे ना मैम, नहीं, हाँ नहीं तब सर वो तक तो मुझे पता है जैसे, लेकिन सिलेक्ट करके हम हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है सर, लेकिन नहीं, जो जो यहाँ पे मैं आपको लेटर्स इंटरप्ट हैं लेटर्स के मुझे सर। करना चाहूंगा आपको। आप सिलेक्ट करके हाईलाइट नहीं करेंगे, आप हाईलाइट को लेंगे और आपको पेंट करना है हाईलाइट को, जैसे मार्कर से करते हैं ना ऐसे, कर हाँ सर वो तो ठीक लेंगे है। तो सिलेक्टेड नहीं रहेगा, सिलेक्शन उसकी हट गई, समझ ठीक है। गए ना? तो अगर आपको, अगर मान लीजिए कि अगर हाईलाइट भी करना है और भी चीजें करनी है, तो आप क्या करें कि पहले इसको हटा देता हूं मैं यहां पर से, पहले आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ हाईलाइटर से हाईलाइट करें और जो कलर देना है कलर, ठीक है? लेकिन ठीक हाईलाइटर से हाईलाइट करते ही देखिए सिलेक्शन होने के बाद वो यहाँ पे हट गया, दिख रहा है? हट गया। नहीं ठीक है वो। हाँ सर ठीक।
तो आपको हाईलाइट करने के बाद सिलेक्शन देना ही पड़ेगा, हाँ हाँ सर, करना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है ठीक। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने इस यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, इसमें मैंने कई सारे चीजें अप्लाई कर दी, तो अगर मैं बाकी जगहों पे करता हूं तो मुझे हर बार ये करना पड़ जाएगा ना। हाँ सर ये तो है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और यहाँ फॉर्मेट प्रिंटर दिखा होगा आपको, हाँ सर। इस फॉर्मेट प्रिंटर को लिया और हमने इसको अप्लाई कर दिया। तो जो जो चीजें थी, जैसे कि इसकी हाईलाइट थी, इसकी बैकग्राउंड कलर, इसका फॉन्ट कलर था, बोल्ड था, एक ओके ही बार में सारा अप्लाई हो गया। हाँ ठीक 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 है, तो ये आपका फॉर्मेट प्रिंटर है। प्रिंटर में अब जाके। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि इसे मुझे कई सारे जगहों पे करनी है। मान लीजिए हाँ कि कई सारे वर्ड को हमें करना है, मुझे कई सारे वर्ड को हाईलाइट करना है, तो अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहां पे सिलेक्ट किया और फॉर्मेट पेंटर को लिया और यहां से हमने पेंट किया, तो ये हट जाएगा, फिर वापस फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना पड़ेगा। हाँ तो इसका तरीका यह है कि आप इसको सिलेक्ट करें और इस पे डबल क्लिक कर दें। क्या कर दें? डबल डबल क्लिक। क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद अब आपका ए पे आपका जो पे फॉर्मेट पेंटर का जो ब्रश है, ये रिमूव नहीं होगा। कब तक अच्छा रिमूव नहीं होगा? कि जब तक आप इस पे वापस क्लिक नहीं करते, अच्छा ये तो वाप अच्छा। हाँ इस पे वापस क्लिक करेंगे तो फिर हट जाएगा। ओके ठीक है सर। क्लियर है? सर अब बात करते हैं क्लिप बोर्ड की। जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी वेबसाइट से कुछ इंफॉर्मेशन लेनी, ठीक जैसे टेक ऑन द नेट है, तो इसमें मुझे फॉर्मूले की जो कैटेगरी है ना, वो कैटेगरी को पेस्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको पहले, ये पहले कैटेगरी लुकअप प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट कर लिया, कॉपी किया, गया पेस्ट किया, फिर वापस इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर, क्योंकि इकट्ठे नहीं कर सकते ना, क्योंकि बीच में चूज है जो कि राइट नहीं, राइट राइट। जो जिसको सिलेक्ट करना है उसको करना। और यहाँ भी बहुत सारे हैं, इसको भी नहीं लेना है। तो प्रॉब्लम आती है कि ऐसे करना तो मुझे हर बार सिलेक्ट करना, कॉपी करना, फिर जाके पेस्ट करना, फिर सिलेक्ट करना, यस कॉपी करना, पेस्ट करना, रिपीट 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 रिपीट। तो देखिए मेरा जो स्लोगन है, मेरी वेबसाइट पर जाएंगे तो मेरा स्लोगन है कि डू स्मार्ट वर्क, नॉट ए हार्ड वर्क। हार्ड हार्ड वर्क वर्क राइट तो गधा सर। भी करता है। सही बात है। स्मार्ट वर्क होना चाहिए। स्मार्ट वर्क। अब कुछ लोग बोलते हैं सर मेहनत करने वालों की बेइज्जती कर रहे हैं आप, हम नहीं बेइज्जती सर कर रहे वो हैं। बात नहीं है, स्मार्ट करना ही चाहिए वर्क, वरना दिक्कत हाँ, होती है। आज का टाइम स्मार्ट वर्क पे है। तो यहाँ पे भी हम इस तरह के काम कर रहे हैं, तो अब ऐसा तो नहीं कि अपने आप पेस्ट होता जाएगा, लेकिन हम काम को कुछ हद तक कम कर देंगे। कैसे? ओके हाँ यहाँ क्लिप बोर्ड दिख रहा है, हाँ जी सर। क्लिप बोर्ड को ऑन कर दीजिए। अब क्लिप बोर्ड जब ऑन हो जाता है, पहले से जो होगा उस पर क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको वर्ड पे आने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट कॉपी करते जाए। यहाँ दिख रहा है 1 of 24 क्लिपबोर्ड में हाँ ऐड, हाँ कर रहा आपको हूँ। सिर्फ क्या करना है, सिलेक्ट कॉपी करना करना। है, कॉपी करना है, अपने हिसाब से सिलेक्ट करके कॉपी करें। और यहाँ काउंटिंग भी आपका घबराएगा नहीं। और एक और फायदा है कि एक ही चीज को अगर आपने 2 बार कॉपी कर लिया तो अपने अंदर एक ही रखेगा, डुप्लीकेशन नहीं करेगा। अच्छा ठीक है ठीक है, और आप कॉपी करते चले जाए। तो मैंने ठीक सारे लिस्ट जो है, मान लीजिए हमने सेलेक्ट करके कॉपी कर लिए, ठीक है। कॉपी कर लिए। अब मुझे जहां पेस्ट करना है ना, वहां पे कर्सर रखना है, और आपको कोई एक पेस्ट करना है तो क्लिक करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। हाँ पूरा करना है तो यहीं पे आप कर दीजिए पेस्ट और पेस्ट ऑल। आ गया? ठीक है, ठीक सर। बट इसमें यह है कि आप नॉर्मल कॉपी पेस्ट आपका होगा, आप जैसे सोचते हैं कि भाई इसमें कुछ एयर लग जाए, हाँ नहीं तो क्या सर बोलते, इसमें पेस्ट स्पेशल पे नहीं जा सकते फिर। नहीं पेस्ट स्पेशल वगैरह पे नहीं जा सकते, एक अच्छा फाउंडेशन है। ओके ओके ठीक है ना, एक फाउंडेशन है इसमें, ओके राइट। तो क्लिप बोर्ड का इस्तेमाल बाद में, इसको यहाँ ऑप्शन भी है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे शो ऑफिस ऑटोमेटिकली, शो अ क्लिप बोर्ड, द टास्क बार आइकन, ये तो वही सेटिंग है इसकी। ठीक अच्छा है,
बट इसमें एक बार में 24 होगा, 24 से 25 करेंगे तो सब आपका जो पहला है वो हट जाए, डिलीट हो जाए। मैक्सिमम 24। हाँ मैक्सिमम 24 है, तो क्लियर कर दीजिए और फिर कीजिए, क्लियर करने का ऑप्शन होता है। और ये फीचर्स आपके बाकी सारे में है मिस ऑफिस के, इसमें है जो आपके मिस ऑफिस के जो बाकी चीजें हैं, बाकी सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन, ठीक है। तो क्लिपबोर्ड समझ में आ गया, क्लिपबोर्ड में कोई डाउट? नहीं सर, नहीं सर। अब इसके बाद हम फॉन्ट की बात करेंगे और पैराग्राफ वगैरह की, पैराग्राफ नहीं फिलहाल हम फॉन्ट की बात करते हैं आज, ठीक है। तो फॉन्ट में आपका सबसे पहले तो आप अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो फॉन्ट रखना चाहे फॉन्ट रख सकते हैं, कि सिलेक्शन फर्स्ट इसको सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद कर पाइएगा आप यहाँ से, जो फॉन्ट रखना चाहे फॉन्ट यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद फॉन्ट की साइज, एक फिक्स साइज के लिए आप यहां से यूज करें या फिर ये आपको दिख रहा होगा इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो 1/1 करके अपने साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करके चेक कर सकते हैं कि कितना बड़ा है। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन तो पता ही है, अंडरलाइन में भी आपका क्या कौन सा लाइन होगा वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, और लाइन का कलर क्या होगा वो भी यहां से चूज कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू, जैसे मान लीजिए कि इसमें जो ट्रिग है वो गलत है, तो ट्रिग को सेलेक्ट के स्ट्राइक थ्रू कर देंगे तो ये देखिए आपका गलत हो गया, हो गया ना। इसको अलग से कलर रेड कर देंगे तो दिख जाएगा कि हाँ ये गलत है। अब मान लीजिए मुझे 10 स्क्वायर लिखना है या 100 डिग्री लिखना है, तो 10, ये मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ, 10 स्क्वायर लिखना है या 100 डिग्री लिखना है, तो 10 स्क्वायर के लिए 102 लिखे और 2 को सिलेक्ट करें, और यहां आपको दिख रहा होगा सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट में करेंगे तो सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। वन जीरो हमारे जो 100 डिग्री है तो यहाँ पे 100 के बाद स्मॉल में ओ लिखें, इस ओ को सेलेक्ट करें यहाँ से और इसको स्क्वायर कर दें, यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट कर दें। ओके एक मिनट एक मिनट, हमने हमने गलती कर दी है, हाँ हाँ सर, यहाँ पे ऑलरेडी सुपर स्क्रिप्ट ही था वो, हाँ पूरा टेक्स्ट, हम इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको सुपर स्क्रिप्ट कर दें, हो गया। तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं, और नीचे आने के से एज यहां से H2O, हमने H2O लिखा वाटर का फॉर्म, जो टू को नीचे हाँ, करना, टू को सेलेक्ट किया और यहाँ पे ओके ये X2, ठीक है, ये इसको X2X² जो है उसको सुपर स्क्रिप्ट क्या बोलते हैं सर, ये सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट, ओके सबस्क्रिप्ट। अब इसमें आपका ये यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपके वर्ड के स्टाइल्स है कि किस तरह के स्टाइल में आपका वर्ड हो, उसकी आउटलाइन कलर क्या होनी चाहिए, शैडो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ग्लो होना चाहिए, नंबर है तो नंबरी फॉर्मेट, नंबर नंबर के लिए होता है कि नंबर किस तरह का दिखेगा, ये आपका इस तरह का लिटरेचर है तो इस तरह का दिखा सकते हैं कि इसके जो छोट कम होता है। उसके बाद ये आपका तो यहां से आप बाकी तो बैकग्राउंड कलर हाइलाइटर है तो पता ही आपको क्या होता है, ये आपका टेक्स्ट कलर है चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज और है, ये आपका ये बोलते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग, जैसे आपको फॉर्मेटिंग किए हुए आप चाहते हैं सारा क्लियर हो जाए तो क्लियर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, उसके बाद ये आपका आता है केस का, सेंटेंस कोर्स होगा लोअर केस में अपर केस में, कौन से केस में चेंज करना चाहते हो, अपर केस कर देंगे तो ये अपर केस में सप्लीमेंट हो जाएगा, ओके तो यहाँ से केस को कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ आपका ए भी क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं सर, इसे फोन पे क्लिक करेंगे तो सारा इकट्ठा आपको यहाँ दिख जाएगा क्या क्या होना है, ओके स्ट्राइक थ्रू है जो ये था, इसमें आपको डबल स्ट्राइक थ्रू है ना, दो लाइन देता है
ओके द स्ट्राइक थ्रू से अंडरलाइन से रिलेटेड है. नहीं, ओके दिस इज ओके स्ट्राइक थ्रू. ओके स्मॉल ऑल कैप्स हिडन दिख रहा है आपको, बाकी वही है, खास नहीं है. ओके ठीक है, तो सारे इकट्ठा मिल जाता है. टेक्स्ट इफेक्ट, इफेक्ट में टेक्स्ट फील कैसा कलर होना चाहिए, इसकी ट्रांसपेरेंसी कम और ज्यादा कर सकते हो कि पीछे कितना दिखना चाहिए. अच्छा, ये आपका शैडो रिफ्लेक्शन जो आप यहाँ यूज किए थे ना, वो सारा यहाँ इकट्ठा. अच्छा सर, एक बार आप देख लीजिएगा. अब आपको क्या करना है कि जो ऑप्शंस मैंने अभी अभी दिखाया ना सर, बताया ना आपको, सारे ऑप्शंस को आपको अप्लाई करना है. ठीक है, और अप्लाई करने के बाद आपको बनानी है नोट्स कि आपने किस फीचर को अप्लाई करके क्या समझा. ठीक है, जैसे आपने पेस्ट स्पेशल में आप अप्लाई किए, तो पेस्ट स्पेशल को क्या आपने अप्लाई किया, कैसे अप्लाई किया और क्या समझा, समझे. ठीक है सर, इसकी नोट्स बनानी है आपको, मुझे मेल करनी है.